से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के मुताबिक अब से ढाबों, रेस्टोरेंट, खान पान से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया जाएगा और यहां काम करने वाले हर कर्मचारी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में सामने आई कई घटनाओं के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये आदेश लागू होगा। वाराणसी में ढाबों और रेस्टोरों के संचालकों ने सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया के रियलिटी चेक के दौरान शहर की दुकानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया निर्देश दिया। इस निर्देश के अंतर्गत जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबा या फिर जो खाने पीने की वस्तुएं जो बेचने वाली जो दुकान है, वहाँ पर तमाम अलग अलग जो सुविधाएं हैं, जैसे कि उनका नाम हुआ, रेस्टोरेंट मालिक का नाम और उनके मैनेजर का नाम बोर्ड पे होना चाहिए, इसके साथ ही स्वच्छता को लेकर के कई निर्देश दिए गए हैं। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा इलाके में हैं। इस इलाके में लगभग एक दर्जन से अधिक रेस्टोरेंट और अलग अलग स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं। क्या इनका रियलिटी चेक है? इन दुकानों पर किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, स्वच्छता क्या है, क्या इंतजाम दिए गए हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम सीधे एक बड़े यहाँ के जो बाटी दाल चोखा का जो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अंदर इस वक्त लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे जो ग्राहक हैं यहाँ दोपहर का और शाम का भोजन आकर यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ के जो मेन दुकानदार हैं वो मेन काउंटर पर बैठे हुए हैं और बिक्री लगातार यहाँ पर शुरू है और खाने पीने की वस्तुएं लगातार बन रही है। सब सही है, अच्छी बात है। हम नाम लिखवाना, हम उनके साथ सहमत हैं। हाँ जी सर, स्वच्छता को लेकर के क्या क्या इंतजाम किए? स्वच्छता और बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, स्वच्छ के लिए बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं, एकदम सफाई पर विशेष ध्यान रहता है और फ्रेश सब्जियाँ यूज करते हैं, फ्रेश मसाला यूज करते हैं और मसाला तो अपना खड़ा लेकर पिसवाते हैं सर। मेरे ख्याल से ये निर्देश बहुत सही है क्योंकि कहीं ना कहीं सफाई हमारे सबके लिए ज़रूरी है और अगर सीसीटीवी कैमरे हमारे किचन्स में और रेस्टोरेंट में लगे रहते हैं तो हम लोगों को ये पता रहता है कि उस खाने को बनाने में और उस खाने को सर्व करने में कितना हाइजीन यूज़ हुआ है। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट ही करूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये चीज़ करी है, बोली है, तो बहुत ज़रूरी है, अच्छा इनिशिएटिव है और ये कि जागरूकता होना चाहिए इस तरीके का और इसे थोड़ा सा जब सीसीटीवी कैमरा इस तरीके लगेंगे तो थोड़ा सा हर एक चीज़ में ध्यान रखते हैं लोग, सीसीटीवी के सामने इस तरीके की हरकतें नहीं होती हैं, लोग अवेयर रहते हैं और ये अच्छा इनिशिएटिव है, सफाई पे ध्यान दिया जाएगा। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। वृंदा करात ने इस फैसले को बांटने की राजनीति करार दिया है। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत सारे फेक वीडियोस चल रहे हैं जिसमें एक विशेष कम्युनिटी के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये पूरे फेक वीडियोस के आधार पर अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की बुनियादी समस्याओं को किनारे करके अगर केवल जनता को विभाजन करने वाली पॉलिटिक्स करेंगे, वही हालत होगी जो आज उत्तर प्रदेश में है। हर सवाल को लेकर आज उत्तर प्रदेश सामाजिक सूचकांक में, सामाजिक मापदंड में उत्तर प्रदेश का सबसे खराब रिकॉर्ड है। नेम प्लेट का मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है कि नेम प्लेट लगाएं। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई उसमें सिंथेटिक कोई फूड जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज़ तो नहीं डाली जा रही है, कोई उसमें कलर तो नहीं डाले जा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने में मिलावट पर योगी सरकार ने अब सख्त आदेश जारी कर दिया है। ढाबा और रेस्टोरेंट मालिक पर भी एक्शन लिया जा सकता है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक खाने में मिलावट मिलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ढाबा और रेस्टोरेंट में खाने की शुद्धता की गहन जांच भी की जाएगी। ढाबा और रेस्टोरेंट के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अब जरूरी होगा। ढाबा और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर का नाम भी डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। ढाबा और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य हो जाएगा और इसके साथ ही अगर खाने में मानव अपशिष्ट मिलने की शिकायत मिलती है तो ढाबा मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। और वहीं योगी सरकार के इस आदेश के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी जहां इस फैसले को सही ठहरा रही है तो वहीं विपक्ष ने इसे भेदभाव वाला फैसला बता दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन है स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने
आज निर्णय लिया है। हिंदुस्तान की जन जन की आवाज़ है, पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। मंशा बहुत साफ है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए, किस तरह से दोनों को अलग अलग किया जाए, किस तरह से दोनों के बीच में नफरत और घृणा पैदा की जाए। तो योगी जी हों या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें देश में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, केंद्र में हैं, उनका एक ही हमेशा एजेंडा रहा है और वही उसको वो मानकर चलते हैं कि हमको हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत और घृणा पैदा करना है। और कैसे करना है, समय समय पर उसका जो तरीका है वो बदलते रहते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सामने आए कुछ आपत्तिजनक वीडियो के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद दुकानों पर शुद्धता, गुणवत्ता और साफ सफाई समेत कई बातों पर गौर किया जाएगा। न्यूज 18 की टीम ने गाजियाबाद पहुंचकर रियलिटी चेक भी किया है और क्या कुछ सामने आया वो भी आपको दिखाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इस बात को लेकर निर्देशित किया गया कि जितने भी खाने पीने की सामग्री के दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं या ढाबे इत्यादि हैं, उन पर कई निर्देश लागू किए जाएंगे। मसलन उन्हें अपनी दुकान का नाम लिखना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक ढाबे पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बाकायदा। साथ ही यहाँ पुलिस की तरफ से कृपया गाड़ी पे सफेद पट्टी से नीचे खड़ी करें, चालान हो सकता है इत्यादि लगाए गए हैं। साथ ही कुछ कस्टमर्स भी यहाँ पर जो खाना दिखा रहे हैं और जो दुकान ढाबा संचालक हैं वो भी हैं। किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, किस तरह की साफ सफाई है और खाने में किस तरीके से लोगों को परोसा जाता है, इनसे जानते हैं और बात करते हैं। जो नए निर्देश आए हैं उनको लेकर दुकानदारों का क्या कहना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि जितने दुकानदार होंगे वो तमाम दुकानदार जो है अपना नाम लिखेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और जो आपके यहाँ कारीगर है उनका भी होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, कायदे की बात है। तो इस तरह की जो घटनाएं आपने देखी होंगी कहीं पेशाब मिला कर कहीं, वो गलत है। हाँ, सही है, जो आदेश दिया गया है, जो आदेश दिया वो बढ़िया दिया, अच्छा दिया है। आपके यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, वो आप देख लो, कैमरे में चेक कर लो। सीसीटीवी लग रहे हैं आपके यहाँ? बिल्कुल देख सकते हैं, कह रहे हैं कैमरे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमराज इन्होंने लगाए हुए हैं। यही कारण भी है कि सुबह शाम और रात तक इनका ढाबा भी चलता है और देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर तमाम जो इनके कस्टमर्स बैठे हुए हैं, उन कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ खाना खाने के लिए? काफी टाइम तक है। साफ सफाई ठीक मिलती है यहाँ पर? बढ़िया मिलती है। खाने का स्वाद कैसा है? पराठे बढ़िया है। अच्छा, देख सकते हैं यहीं पर इनका ये बैठने की व्यवस्था की हुई है जहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ भी लोग आए हुए हैं। बात अगर किचन की जाए तो किचन की भी सूरत हाल हम देख लेते हैं। किचन में भी यहाँ पर पूरी साफ सफाई इनके द्वारा की गई है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये तमाम जहाँ खाना बन रहा है ओपन में ये खाना है, कोई छुपाव इनका नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग भाग आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज की जैसे बात की गई है निर्देशों में, उस सीसीटीवी कैमरा भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ मॉनिटर इन्होंने लगाया हुआ है ताकि जो भी दुकान पर आने वाले ग्राहक हैं उनको भी सीसीटीवी निगरानी में रखा जा सके। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उस दौरान सीसीटीवी बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं, काम भी आते हैं।